इसकी करी गई और ये मॉडल पूरे प्रदेश में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज चौपाल का जमाना नहीं रहा जहां हम बात करते कि समाज की चौपाल बनाओ। बारात को रोकने के लिए सब लोग समृद्ध हो गए। महाराज जरूरत है कि गांव के लोगों को मैरिज प्लेस ढूंढ के शादी ना करानी पड़े, ऐसी व्यवस्था गांव में बने। और हमारा प्रयास रहा है, आप गुड़गांव चले जाओ, जींद चले जाओ, आज टोहाणा में आपके यहां इतना खूबसूरत बन रहा है। ये व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी, मगर इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की भी जरूरत है। आज आपके यहां से कोई टोहाणा पढ़ने जाता है तो उसको कम से कम साइकिल पे भी आधा घंटा जाने का और आधा घंटा पढ़ाई के लिए आने का लगता है। एक घंटा जीवन का खराब होता है। और वही शहर में बैठे हुए आदमी को व्यवस्था में सुधार है कि वो 5 मिनट में ट्यूशन पहुंच जाता है, कोचिंग के लिए पहुंच जाता है और 5 मिनट में आ जाता है। और उसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है और उसको गति के साथ आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव लेवल पर जहां पढ़ी लिखी पंचायत है तो हमने बना दी, वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करने का काम करें, जिस व्यवस्था से गांव के बच्चे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें लेकर अफसर बनाने का जो सपना हमारा है उस सपने को पूरा करें। और केवल मात्र यहां का नहीं, वो सपना हरियाणा प्रदेश की नौकरियां या केंद्र की नौकरियां तक सीमित नहीं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के, उनके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। मैं अभी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोगों को चिरायु योजना के बारे में बोलते सुन रहा था। हरियाणा ने वो मॉडल बनाकर दिया है और मैं एक चीज बोलूंगा, सीएम साहब का ये सपना भी था कि हमारे यहाँ अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेहतरीन लाभ पहुंचे। और हमने पिछले साल बीपीएल की जो सीमा 1:20 पूरे देश में है उसको बढ़ाकर 1:80 करने का काम किया। और इनका धन्यवाद है कि इनने आयुष्मान को भी उसके साथ जोड़कर 1,80,000 तक हर गरीब आदमी के परिवार को 5 लाख तक का बेनिफिट पहुंचे, व्यवस्था बनाई। और 5 लाख केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, देश के किसी कोने में कोई बीमार हो जाए, अगर आपका वो चिरायु आयुष्मान कार्ड है तो उसका पूरा लाभ देश के किसी भी अस्पताल में हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक उठा सकता है। साथियों, इसी तरह राशन कार्ड की बात थी, वो दिन मुझे भी याद है जब मैं सांसद था और लोग आते थे जी एडीसी को फोन कर दो, पीला राशन कार्ड बना दे। आपके यहां तो सरपंच से लेकर हर प्रकार तक सिफारिश चलती थी कि आयुष्मान कार्ड बना दो, आयुष्मान ये पीला राशन कार्ड बना दो, और कापियां लेकर घूमते थे। आज क्या व्यवस्था है, अगर परिवार पहचान पत्र में किसी के परिवार की आय को आज 1,80,000 पर हम वेरीफाई कर देते हैं तो अपने आप हरियाणा सरकार उसको पीले राशन कार्ड की बीपीएल परिवार की श्रेणी में डालकर सारी सुविधाएं देने का काम करती है। उसको 20 रुपए का फार्म भरकर किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, आज घर बैठे उसके परिवार की अगर आय 1,80,000 से नीचे है तो उसको ये सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूं कि एक कदम हमने उठाया है और वो कदम देश के अंदर जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है कि एक जिले के अंदर एक उत्पाद बढ़ेगा, वहां हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने देश के अंदर एक मॉडल बनाया कि हमने 140 ब्लॉक, सब 142 हो गए, 142 के 42 ब्लॉक्स के अंदर 142 वस्तुओं को कैसे निखारा जाए, बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मैं तो आज आप सारे हलके के साथी आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को 50 एकड़ 25 एकड़ इकट्ठी करके दो कि आपके चाहे जाखड़ ब्लॉक हो, टोहाणा ब्लॉक हो, दो उत्पाद की पहली इंडस्ट्री को फतेहाबाद जिले में लगे तो आपके इस इलाके में हम लगाने का काम करें। आज बड़ी वस्तुएं बनाने के लिए मारुति टाटा बिरला को लाने की जरूरत नहीं, दिन प्रतिदिन गांव से चीजें उठ के शहरों की ओर जा रही है। मैं तो एक दिन उस पर देख रहा था अमेजोन पे, और अमेजोन पे लिखा हुआ था 140 रुपए में क्या चीज बेच रहे हैं, 100 गोसे। औरतों ने यह उत्पाद भी शुरू कर दिया, मगर वो एक स्टार्टअप है कि गांव के उत्पाद को कैसे मार्केट मिली, ये डिजिटलाइजेशन का फायदा। और पद्मा का भी ये सपना है
कि हम कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर सरकार की तरफ से बना के, और आपका तो डी ब्लॉक में आता है, 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी, जो वहां पर खड़े होने के लिए प्लग एंड प्ले के अंदर इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री को एक सुनहरा अवसर देगी कि टवाणा से जाखड़ ब्लॉक से उठ के वस्तुएं और दिल्ली मुंबई नहीं विदेशों तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हम भिजवाने का काम कर पाए। एक चीज और, जहां पहले हमारी फर्दों के लिए हमें जगह जगह घूमना पड़ता था, नकल लेना पड़ता था, 1.5 महीना पहले हमने केंद्र सरकार से एक सॉफ्टवेयर लिया और आज उस सॉफ्टवेयर का यह फायदा है कि अगर कोई अपनी फर्द हरियाणा के किसी भी जिले की निकालना चाहता है तो जमाबंदी की जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाए और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। आज तो यह हालत है कि हमारे पटवारी भी ओवरबर्डन्ड है, उनको ढूंढना पड़ता है कि कौन से गांव में है क्योंकि उनके हल्के बड़े हो गए। आज उस व्यवस्था को डिजिटलाइज कर दिया गया कि आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड करोगे तो उसको QR कोड के साथ, डिजिटल साइन के साथ हमने वेरीफाई करने का काम किया और बैंक तक उसको वेरीफाई कर कर, सरकारी अफसर तक उसको वेरीफाई कर कर उसको डिजिटली पकड़ने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार से एक चीज, अभी नापा जी भी कह रहे थे, जब बबली जी बोल रहे थे, मारी रतिया टवाणा रोड, मैं तो CM साहब को कहूंगा, हाउस में तो हमने कह दिया था आज इसको अनाउंस कर जाओ, चाहे इसमें 50 लगे, चाहे 60 लगे, चाहे 70 करोड़ लगे, इस सड़क का निर्माण भी हमें जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा क्योंकि एक नहीं दो दो विधायक हमारे इसके अंदर सहमत भी है और मुझे लगता है कि इस पूरे जंक्शन की कनेक्टिविटी को और बेहतर भी बनाएंगे। मगर मैं एक चीज आपकी संज्ञान में लाने का काम करूंगा कि केंद्र सरकार की जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उनने हमारा एक नया एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का काम किया जो सिरसा के डवाड़ी के चौटाला से शुरू होगा और पानीपत या संभालखा के बीच में जाकर खत्म होगा। वो भी जाएगा तो आप तीनों विधायकों के हल्के के बीच में से जाएगा, रतिया से घुसेगा, भूना छूता हुआ और आपके उकलाना होता हुआ और आगे पानीपत की तरफ जाएगा। तो आने वाले समय में आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी और बेहतर तरीके से होगी। और मैं तो अंत में इतना बोलूंगा कि साथियों, 2 साल पहले आपने यहां जब मैं आया, जब कहा कि विकास कराओ, हमें ताकत दो, ताकत तो सरकार ने दे दी, मंत्री भी बना दिया, विकास भी करा दिया, मगर आपकी जिम्मेवारी भी और बढ़ती, जिम्मेवारी कम नहीं होती और उस जिम्मेवारी को समझदारी के साथ निभाने का काम आपने करना। और मैं तो उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि टवाणा की जनता ने जैसे पहले मजबूती दिखाने का काम किया, आने वाले भविष्य के अंदर भी इसी मजबूती और इसी ताकत के साथ हमें मजबूत करने का काम करें। मैं तो आप सब आए, आपने आने पर जो प्यार सम्मान देने का काम किया उसके लिए आपका आभार अभिनंदन करता हूं। और एक ही विनती CM साहब से भी करूंगा कि आज आप आए हो, इनने मांगे तो खूब रखी है, मगर एक चीज जरूर आज मांगों के साथ ये बताकर टवाणा को जाना कि जो विकास हमने कराया है, आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से इनने संभाल के रखना है। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कौन लेकर जाए, ये जिम्मेवारी मुझे लगता है हमारी नागरिकों के तौर पर ज्यादा है। आज ये कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, सरकार के 2-2.5 करोड़ रुपए इस पर लग जाएंगे, मगर इसके बाद इसकी मेंटेनेंस अगर नहीं कराई तो फिर इतने बड़े सफेद हाथी को बनाने का भी कोई काम नहीं करना। आज सड़कें तो हम बना देंगे मगर उन सड़कों का उपयोग ना हो तो उसका डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं होता। आज स्कूल तो हमने बना दिए मगर सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को नहीं डालते, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाकर उन स्कूलों को बंद होने की कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये विनती आप सबसे भी करता हूं कि सरकार की ओर से जो प्यार, जो आपके यहाँ डेवलपमेंट करी जा रही है उसको और बेहतर तरीके से ले जाने की जिम्मेवारी अगर किसी की साथियों है तो आप सबकी है। मैं तो पूर्ण सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हैं, मैं 2-4 साथियों के नाम भूल गया, कुलजीत कुलड़िया जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी बैठे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों संगठनों ने जिस तरह मिलकर काम किया है और इस 3.25 साल के अंदर प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है, एक विजन दिया है जिस विजन के अंदर
चाहे वो जहाज को हिसार से ले जाकर दुनिया के अलग अलग कोनों से जोड़ने की बात हो, चाहे ग्लोबल सिटी के माध्यम से देश के प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को, यानी दुनिया के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को गुड़गांव की धरा पर हम लाने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हमारी कुरुक्षेत्र की धरा को, इस पावन धरा को ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले पौने दो साल भी इसी तरह प्रदेश को कैसे आगे ले जाने के विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश आज देश के मध्यम साइज राज्यों में प्राथमिक तौर पर गिना जाता है, मगर मैं ये विश्वास दिला देता हूं, जो हमारी सरकार का विजन है, जो हमारा विजन है, हम आने वाले भविष्य के अंदर हरियाणा प्रदेश को सभी राज्यों में पहले नंबर पर लाकर प्रगति के पथ पर चलाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की आज जयंती पर जो इकट्ठा होकर देशभक्ति की प्रेरणा देने का काम किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।